विधानसभा क्षेत्र स्थित टंकी मरोदा में सड़क निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी की बड़ी चूक सामने आई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा अमृत मिशन के पाइपलाइन को तोड़ दिए जाने से लाखों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है। अब तक पीडब्ल्यूडी के किसी भी बड़े अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। पाइपलाइन फूटने से क्षेत्र के हजारों घरों की जलापूर्ति प्रभावित हुई है। सड़क निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है। किसी भी बड़े अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने अभी तक पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पानी आज पूरा रोड भर गई से पानी में नाली भर गए, घर के सामने पानी पूरा भर गई और कम आज कम रहे थे, एकदम प्रेशर कम है, वो कोई नहीं आए। इतना गर्मी है और जल संकट है, वो में ये मन हाँ खुदाई करते हैं तो ध्यान नहीं दे पाते। और ये में एकर से पहले 2 महीना पहले आओ हो रही से कम बस्ती के पूरा 13-14 के कम से कम 1000 घर प्रभावित हो रही इस पानी पर। वो बहुत परेशानी झेलत है अभी, आज भी ये दे खुद गए कल जो खुदाई करी दो में उमें पानी के संकट तो बहुत ज़्यादा है। वही समय विपत में मन हाँ और खुद ये ला जमीन ला और जमीन खुदिश तो अपन पाइप फूट गए। अब ये पाइप ला अभी तक कोई जनप्रतिनिधि तो मेरे ख्याल से कोई आवे नहीं करे है और मोला जानकारी दीस तो मैं अभी यहाँ और अधिकारी मान लो तो ये आज बताऊँ तो 2 महीना बाद उगर आँख खुलते और जल संकट में ऐसे हुई तो फिर अभी तो आगे ये 4 दिन पहले आवेदन दे रहे हैं। अब ये वही बताही जनपद ये अधिकारी मन ही बताही का नुकसान है कैसे है, अभी ला तो मोला पता नहीं है क्या नुकसान है, लेकिन हाँ जनता ला नुकसान है कर से पानी पर। सैटरडे को फ़ोन किए थे तो टैंकर आई थी, मैडम ने बुलाया था टैंकर, वो 2 दिन चला है और आज है थोड़ा सा पानी अभी और हम लोग को